अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम कहीं भी बाहर नहीं जा रहे, आज हम घर पे ही हैं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना घर पे ही आज कुछ कुकिंग की जाए और रेसिपी भी शेयर की जाए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, इसी के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। आपने क्या समझा था मैं व्लॉग में नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा क्योंकि रेसिपी तो पता है थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को जरा व्लॉग टाइप बनाया जाए। तो चलें अभी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आज रवीना का कैमरामैन बनूंगा और उसके बाद ऑब्वियसली खाऊंगा, टेस्ट करूंगा कैसा बना है। तो बहरहाल चलें जी इसी के साथ आज का व्लॉग विद कुकिंग रेसिपी जी स्टार्ट करते हैं और साथ साथ दिखाते हैं आपको। स्टे ट्यून्ड गाइस। तो फाइनली व्यूअर्स, आज हमारी रेसिपी बन रही है मुसाका की। तहमीना ने अभी मसाले निकाल कर अपना स्टार्ट किए हुए हैं, तो जब तक तहमीना अपने सारे मसाले रेडी करती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तहमीना से सब चीज़ों का पूछेंगे, क्वांटिटी कितनी डालनी है सारी चीज़ों का पूछेंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना मुसाका बनाना। रेडी हो तहमीना? यस। तो चले जी तहमीना रेडी है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तहमीना ने अभी ये सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, तो अभी तहमीना से ही पूछते हैं कि ये कितनी कितनी क्वांटिटी में लिए हैं। तहमीना मैडम इधर आप, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले ओके ऑनियंस, सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, 2 मीडियम साइज प्याज ले लिया है। उसके अलावा लहसुन का पेस्ट ओके, ये कितना, 2 टेबल स्पून, 2-3 टेबल स्पून और चिकन ले लिया मैंने 1/2 kg और वाइट चने बॉइल्ड, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने जो है आलू बॉईल कर लिए और उसके बाद हमने इसको मैश करना है आलू को, ठीक है। और जो मसाले डालने हैं इसमें नमक, क्रश्ड चिली और ये वाइट पेपर है, ओरिगानो, थाइम और उसके अलावा कैजन सीजनिंग, पेपरिका नहीं है और पेपरिका पाउडर भी है। परफेक्ट ओके ये इसमें मसाले डालेंगे और ये बटर जो है ये हमने डालना है आलू में, जब हम उसको मैश करेंगे तो उसमें हम ऐड करेंगे। अब आलू को हम अच्छे से मैश कर लेंगे ओके और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे बटर, उसके बाद नमक और काली मिर्चें ऐड कर लेंगे, ठीक है। नमक थोड़ा सा, जितनी हमें जरूरत है हम चार साथ चेक करते रहेंगे ताकि देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। तहमीना जो है पोटैटोज को अच्छी तरह से मैश कर रही है, बटर ऐड हो गया है, ठीक है। और अभी क्या, मिल्क ऐड करेंगे, अभी जनाब मिल्क ऐड करने लगे हैं। वाओ, देखते हैं कैसी रेसिपी बनेगी। तहमीना कुकिंग एक्सपर्ट है। इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, इतनी बुरी कुक भी नहीं हो, अच्छी खासी हो। तहमीना कैसी कुक है जी हमें जरूर बताइएगा। अभी जी मिल्क ऐड होने लगा है, मिल्क कितना ऐड करेंगे तहमीना? मिल्क ऐड कर लें थोड़ा सा, जिससे आपको लगे कि ये बस सॉफ्ट हो गए हैं आलू, कोई हिसाब नहीं है लाइक ओके। आप तब तक उसे मैश करते रहेंगे जब तक वो उनका टेक्सचर जो है वो क्रीमी क्रीमी नहीं हो जाता, प्रॉपर क्रीम की तरह। मैं ठीक कह रहा हूँ, हो चुके हैं मैश, अभी ये हो चुके हैं तो जरा आपको क्रीम्स दिखाते हैं। ये इस तरह क्रीमी क्रीमी हो जाए ना जब तब तक ये मैश करते रहने। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है तमीना? अब हम अपना ये मसाला बनाएंगे, लाइक प्याज और चिकन वगैरह तैयार करेंगे। परफेक्ट ओके जी, अभी मसाला तैयार हो गया हमारा, मैंने ऑयल ऐड कर लिया इसमें, ऑयल ऑलरेडी ऐड हो गया तो मैंने ऐड किया था। और अब हम इसमें जो प्याज है प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये लाइट से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। अब प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है तो अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। अब हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, अब इसको 5 मिनट तक पकाएंगे अच्छे से, जब तक चिकन आपको लगे कि अच्छे से पक गया तब तक। सारा सारा रेडी हो गया है, चिकन भी लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो गया है ओके। तो अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, उसका पेस्ट बना के
और अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। ओके दैट्स गुड। ये हाफ डाल दूंगी मैं क्योंकि इसमें टमाटर ज्यादा डाल। तीन एक टमाटर आई थिंक तुम डाल। हाँ, अगर आप फ्रेश टमाटर यूज कर रहे हैं तो आप तीन ले लें उनका पेस्ट। ओके बना सकते हैं। जरा बाहर मौसम दिखाते हैं, बारिश वाला मौसम है। अभी बारिश थोड़ी देर पहले ही रुकी है, जरा देखें। बारिश आई हुई है तमीना, सुबह से बारिश हो गया है। सही बात है। वैसे आज हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, लेकिन मौसम तो आपको नजर आ ही रहा होगा, काफी ज्यादा बारिश सुबह लगी हुई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है। पर ये है कि जरा आउटडोर एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, जरा लिमिटेड हो जाती है आपकी जो है एबिलिटी डिफरेंट टूरिस्ट साइट्स को विजिट करने की। आज वैसे प्लान था हमारा, एक जगह हमने नोट की हुई थी वहां पर जाने की, अभी आपको उस जगह के बारे में बताएंगे नहीं, जब नेक्स्ट वीक गए या कल गए तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बहरहाल आज घर थे तो सोचा एक व्लॉग बनाया जाए आपसे कुकिंग रिलेटेड, जो कि कब से हमने नहीं था बनाया और आपके साथ शेयर किया जाए। तो अभी आई थिंक तमीना मैडम लगी हुई है। तमीना कितना बाकी है अभी? बस थोड़ा और टाइम है। भूख लगी है क्या? मुझे भूख लगी हुई है बहुत सख्त, टू बी ऑनेस्ट। बारह चलो अभी देखते हैं और कितना टाइम लगेगा। इसमें ये सारे जो मसाले पहले से हमने निकाल के रखे थे वो मैं सारे डाल दूंगी। चिक पीस को ऐड किए हुए 5 मिनट्स हो गए हैं, थोड़ा सा पकाने के बाद अब हम ऐड करेंगे मैश पोटैटोस। मैश पोटैटोस कमीना ऐड करना स्टार्ट करेगी तो साथ साथ आप खुद खाऊंगा मैं। मैं था और अभी गाइस हमारा बिल्कुल मूस की तरह ओसाका का मसाला तैयार हो गया है। अच्छा इस बात का ध्यान रहे थे, अगर आपका मसाला इतना ज़्यादा क्रीमी नहीं है तो इसका मतलब आपने मिल्क जो है कम ऐड किया था, मिल्क कम ऐड किया था या बटर कम ऐड किया था, तो इस बात का ज़रा ध्यान रखना है। इसको बनाने के लिए बिल्कुल क्रीमी क्रीमी मसाला होना चाहिए आपका, तभी टेस्ट आएगा। बार अब देखने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़े का लग रहा है। यमीन हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं जी, चेडर चीज़ यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद हमारा मसाका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अभी हम सारा मसाला अपना जो मसाका का रेडी हुआ हुआ है इधर, वो सारा हम इस डिश में ऐड कर लेंगे। हमने ऊपर चीज की लेयर लगा दी है और अब बारी है ओवन में रखने की। ओवन का आपको बता दूं हमने सिर्फ हीट पे रखा है, फैन पर नहीं रखा, और अराउंड 175 या 200 टेम्परेचर पर रखेंगे। प्री हीट कर लेंगे ओवन को और उसके बाद 15 टू 20 मिनट्स के लिए रखेंगे। तब तक रखेंगे जब ऊपर वाली चीज़ हमारी लाइट ब्राउन कलर की नहीं हो जाती। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप ओवन में रखोगे इसको तो एकदम से ज़्यादा हीट पर नहीं रखना, 175 या 170 पर रखोगे। उसकी रीज़न ये है कि चीज़ ऊपर से तो जल जाएगी, अंदर से मेल्ट नहीं होगी, तो सारा लेवल हमें रखना है क्योंकि क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए। क्या हाल है तमीना? यस आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। तो चलें अभी प्री हीट हो गया, 15 मिनट्स हो गए हैं, तो इसे रखते हैं हम पहले। तमीना रखो डन, 15 मिनट्स साथ साथ चेक करते रहेंगे, 15 मिनट्स के लिए रखेंगे। अभी 7 मिनट्स हो गए हैं और
चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो गई है। चलो नीचे से पकड़ के, नीचे से पकड़ के पूरा करो। ये अभी 7 मिनट्स हुए हैं और चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारी मेल्ट हो रही है। 5 मिनट्स मोर। हमारा मसाका सही तरह रेडी है और चीज़ भी जो है अंदर तक सही तरह मेल्ट हो गई है। देखने में काफी ज्यादा मजे का लग रहा है। यू आर द शेफ। और फिर टेस्ट करके बताओ कैसा बना। ओके तुम चाहती हो मैं कट करूं? यस। ओके जी, तमीना चाहती है कि मैं कट करूं। तमीना को कैमरा देते हैं और मैं कट करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोक ले लो। खैर इस तरफ से करता हूँ, सारी आइडियाज को सही तरह नजर आएगा। ये चीज गाइस, ये देखिए। उप्स, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बनना है। बिस्मिल्लाह। गरम गरम है। जबरदस्त चीज जो है ना, उसका टेस्ट जबरदस्त आ रहा है। और उसके अलावा जो क्रीमी मैश बना है ना, नाइस है, बहुत जबरदस्त है मीना। थैंक यू। अगर आपको भी पसंद आया हो तो आप भी अपने घर जरूर ट्राई करिएगा और बताएं कि कैसा बना आप। बिल्कुल। और इसके साथ दीजिए हमें इजाजत। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।